हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कर्क राशि वालों को कैसा जीवन साथी प्राप्त होते हैं, कर्क राशि वालों का जीवन साथी का पर्सनालिटी कैसा होता है, उनका कंपैटिबिलिटी आपके साथ कैसा रहेगा, साथ में आप अगर अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, डील कर रहे हो किसी के साथ, तो उनके साथ आपका शादी होने का चांसेस कितना रहेगा, अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो आपको अपना जीवन साथी कब प्राप्त होगा, एंड साथ में ही अगर आप एक मैरिड पर्सन हो तो आप अपने पर्सन के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जान सकते हो यहाँ पर। तो आप सभी के लिए है ये रीडिंग। अगर आपकी राशि कर्क हैं यानी कि कैंसर हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, चलिए देख लेते हैं। एंड यहाँ पर हम ये भी चेक करने वाले हैं कि कर्क राशि वालों का लव मैरिज होने का चांसेस कितना रहता है एंड अरेंज मैरिज होने का चांसेस कितना रहता है, आफ्टर मैरिज आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा। सो फुल्ली डिटेल में जानने वाले हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हैं एट ऑफ कप्स। ओके, तो फर्स्ट हम उस इंसान का पर्सनालिटी चेक करने वाले हैं। एंड नाइट ऑफ कप्स, डेथ का कार्ड है, फाइन। एंड टेन ऑफ वंड्स। ओके, बॉटम द डेक में है द सन। वाओ, देखो ये जो इंसान है ना बहुत ही ज़्यादा एक हेल्पफुल इंसान है, मतलब कि कर्क राशि वालों को जो भी जीवन साथी प्राप्त होते हैं बहुत ज़्यादा हैप्पी माइंडेड इंसान होते हैं, खुद खुश रहते हैं, लोगों को खुश रखते हैं एंड एक खुशहाल सिचुएशन में रहना इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ओके, इनकी लाइफ में गॉड ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है, दिख रही हैं एंड साथ में जो भी ये इंसान मांगते हैं डिवाइन से वो इनको मिल भी जाता है। एक अबंडेंट पर्सन है। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी हाई है, स्कॉर्पियो की एनर्जी और भी ज़्यादा हाई है एंड साथ में फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है एंड लियो की एनर्जी भी हाई है। ओके, देखो फर्स्ट तो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं ये जो इंसान है ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत से काम लेना पड़ा है इनको, इनके लाइफ में कुछ चीज़ों को पाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ा है। पहले पहले तो इनके लाइफ में सभी चीज़ें टेम्पररी था बट अभी धीरे धीरे से इनके लाइफ में चीज़ें परमानेंट हो रही हैं। ये इंसान जो भी चाहते हैं, जो भी इनको पसंद है उस चीज़ को धीरे धीरे से अचीव कर रहे हैं क्योंकि ये अपने लाइफ के गोल को ना बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए हैं, टारगेट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए हैं जिसके वजह से ये इंसान अभी उन्नति के सक्सेस के रास्तों पर चलते जा रहे हैं। एक टाइम पर इनको उनके करियर के साइड से कह सकते हो, स्टडी के साइड से कह सकते हो, बहुत हद तक लॉसेस फेस करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा रोना पड़ा है जिसके बाद जाकर अभी ये इंसान सूरज की ओर मूव कर रहे हैं। ओके, इनका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट दिख रही है गाइस। यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी आप देख सकते हो नाइट ऑफ कप्स की है। इन्होंने प्यार में बहुत बार धोखा खाया है, इनका दिल बहुत ज़्यादा साफ है, दिख रही है मुझे कि इन्होंने पास्ट में बहुत सारे इंसान को हो सकते हैं प्रपोजल दिया था एंड एक इंसान ने एक्सेप्ट किया था बट कहीं ना कहीं उस इंसान की तरफ से भी इनको कुछ सालों के बाद रिजेक्शन हाथ लगा था, कुछ सालों के बाद बिट्री इनको फेस करना पड़ा था। लव लाइफ के साइड से भी ये इंसान बहुत ज़्यादा ना मायूस बन चुके हैं अभी। पहले बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन हुआ करते थे, लव लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ करते थे, लव चीज़ को बहुत ज़्यादा ना एक खूबसूरत चीज़ मानते थे जिसमें अभी ये इंसान विश्वास नहीं करते हैं। एंड ये इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग पर्सन है एंड साथ में इनको रेड रोजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। ये इंसान एक्चुअल में बचपन से इन बॉर्न रोमांटिक पर्सन है एंड हो सकता है अभी इनका मूड थोड़ा सा चेंज हो गया है रियलिटी को फेस करते करते, बट जब आपके साथ इनका शादी हो जाएगा तब आप इस चीज़ को नोटिस कर पाओगे कि ये इंसान किस हद तक आपको चाहते हैं, किस हद तक आपको प्यार करने लगे हैं। यहाँ पर ये जो वाइट हॉर्स है ना ये पीस को दर्शाता है। ओके, आपके साथ झगड़ा वगैरह इस इंसान का एकदम से नहीं होगा क्योंकि ये झगड़ा करना जानते ही नहीं है मुझे दिख रही है, बट इनका हार्ट थोड़ा सा कमज़ोर होगा, मतलब कि बात बात पर हो सकता है रूठ जाते हैं, बात बात पर हो सकता है इनको बुरा लग जाता है, सेंसिटिव पर्सन है दिख रही है। ओके, एंड देखो यहाँ पर द डेथ कार्ड है, मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इस इंसान के लाइफ में कोई टावर मोमेंट क्रिएट हो गया था जहाँ पर इनका लाइफ रिस्क बन गया था, मतलब कि हो सकता है कोई बीमारी से निकल कर ये इंसान अभी हील हुआ है या फिर कोई एक्सीडेंट से ये इंसान हील होकर बाहर आए हैं या फिर हो सकता है किसी के लिए प्यार में पड़ के या फिर करियर के लिए या फिर किसी एक साइड से बहुत सा दुखी बन गए थे, मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, इन दोनों कार्ड से तो ये जो नया जीवन इनको मिला है ना तो इस नए जीवन को ये इंसान पूरी तरीके से नए तरीके से सजाने में लगे हैं अभी,
ये इंसान अभी पिछले टाइम की सभी चीज़ों को भूलकर अपने आने वाले फ्यूचर की ओर देख रहे हैं। पीछे की सभी चीज़ों को ये इंसान डिलीट ऑलरेडी कर दिए हैं। पीछे के जो भी गंदे मेमोरीज हैं, जो भी ब्लैक मेमोरीज हैं, अनवांटेड चीज़ें हैं, अनवांटेड पर्सन्स हैं, उन सभी को ना ये इंसान अपनी लाइफ से एकदम से हटा दिए हैं। एंड जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 of Wands का कार्ड आया है। सब कुछ छोड़ छाड़ के ये इंसान अभी अपना बैग पैक करके आगे की तरफ निकलने के बारे में सोच रहे हैं। इस इंसान के पीछे मुड़ने का कोई भी वजह ये इंसान नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसके वजह से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अपने साथ लेकर अभी आगे चल रहे हैं। ओके, तो ये जो इंसान है ना, ये अभी पूरी तरीके से बदल गए हैं। पहले जो भी थे, जैसा भी थे, अभी पूरी तरीके से बदल गए हैं। ये जो डेथ का कार्ड आपको दिख रही हैं, ये एकदम से इनको एक रीबर्थ, एक नया जन्म दिया है। इनके लाइफ में बहुत बड़ा एक टावर मोमेंट से ये इंसान गुजर कर अभी खुद को स्टैब्लिश्ड किए हैं। अभी ये इंसान अपने लाइफ में जो भी हैं, जैसा भी हैं, उस चीज़ के लिए ये इंसान डिवाइन से हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करते रहते हैं। देख लेते हैं ये इंसान कितना ज़्यादा लॉयल हैं, या फिर आपके लिए कितना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, आपके साथ उनका रिलेशन कंपैटिबिलिटी चेक कर लेते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ओके, यहाँ पर है 8 of Cups। देखो 8 of Cups की एनर्जी 2 times एग्जिस्ट कर रही है। एंड देखो ये इंसान दिल के एकदम से बुरे पर्सन नहीं है, हेल्पफुल पर्सन है। ओके, ये इंसान लोगों को बहुत ज़्यादा ना हेल्प करते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं आसानी से, जिसकी वजह से इनको बहुत सारा धोखा पहले मिल चुका है। इनका दिल भी बहुत ज़्यादा साफ है, चैरिटेबल पर्सन है। ओके, एंड बॉटम द डेक में है 3 of Swords। डेफिनेटली थर्ड पार्टी का एक इशू दिख रही है मुझे। देखो इस इंसान का पास्ट का एक रिलेशन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है पहले। ओके, तो ये जो थर्ड पार्टी है, ये हो सकता है आफ्टर मैरिज भी आप दोनों को परेशान करें, ये एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। बट इनका जो लाइफ है, इन्होंने एकदम से ब्लैंक कर डाला है। इनके मन में अभी पास्ट के किसी भी पर्सन के लिए कोई भी जगह नहीं है। आपके साथ जब इनका शादी हो जाएगा, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार करेंगे। इनके दिल के कोरे कागज़ पर सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लिखा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये इंसान आपको लेकर बेहद ज़्यादा पैशनेट भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेड रोजेस हैं, यहाँ पर आग हैं, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग एंड ब्यूटीफुल मानेंगे। आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा क्या बताऊँ, खूबसूरत बनने वाला है। एंड आप दोनों एक दूसरे के ना सोलमेट रहने वाले हो। आप दोनों का सोल जो है वो जन्मों जन्मों से एक दूसरे के साथ ना चलते आ रहा है। मतलब कि आप दोनों इस जन्म का पार्टनर सिर्फ नहीं हो, मुझे दिख रही हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी को प्यार करते हो, किसी के साथ डील कर रहे हो, तो उस इंसान के साथ आपका शादी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रही हैं गाइस। ओके, एंड अगर आप एक सिंगल पर्सन हो, आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो आपके सोल सर्चिंग बहुत जल्द बंद होने वाला है, क्योंकि आपके सोल भी उस इंसान के सोल को ढूंढ रहा है एंड उनके सोल भी कहीं ना कहीं आपके सोल को रहा है। ओके, ये जो हर्मिट का कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं 9 दिन या फिर 9 हफ्तों की बात करता है, जिस टाइम के अंदर आप दोनों का सोल सर्चिंग बंद होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के रूबरू होने वाले हो। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि आप इस इंसान को जानते हो एंड वो भी कहीं ना कहीं आपको जानते हैं। हो सकता है स्ट्रांगली नहीं जानते हो सकता है लाइटली जानते हो, बट आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है। ओके, एंड आप दोनों एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा पसंद भी करने वाले हो। एक दूसरे के लिए आप दोनों मर मिटने वाले हो, ऐसा एक प्यार मुझे नज़र आ रहा है। देखो 8 of Cups के थ्रू मुझे दिख रहे हैं ये इंसान ना बहुत आसानी से आपको माफ़ कर देंगे, अगर आप कुछ गलती करते हो तो। ओके, इस इंसान के दिल बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। इनके दिल में ये इंसान किसी भी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा दिन तक रख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा झमेला होगा तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ना नहीं चलेगा। एंड जो बहुत बड़ा चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में भी अभी तक जितने भी डार्क चीज़ों को आपको फेस करना पड़ा है, जितने भी लॉसेस आपने देखे हैं एंड इन्होंने जितने भी लॉसेस देखे हैं, जितने भी डार्क सिचुएशंस को इन्होंने फेस किया है, वो सब कुछ आप दोनों के लाइफ से एकदम से ख़त्म हो जाएगा आप दोनों के मिलन के बाद, मतलब कि आप दोनों की शादी के बाद। ये जो हर्मिट का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं ब्रह्म मुहूर्त को दर्शाता है, मतलब कि रात जस्ट ख़त्म होने वाला है एंड सूर्य उदय होने वाला है। ओके, तो सूर्य उदय तभी होगा जब आप दोनों का शादी हो जाएगा, तब आप दोनों के भाग्य में एक चमक आ जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बेहद ज़्यादा लकी साबित होने वाले हैं। एंड ये जो सन कार्ड का ब्लेसिंग्स हैं, ये आप दोनों के ही भाग्य में एकदम से
से स्प्रेड हो जाएगा, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड आप दोनों का मिलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है डिवाइन के लिए, मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से आप दोनों का मिलन जो है, आप दोनों का शादी जो है, वो एक डिवाइन टाइमिंग पर ही सेट किया गया है एंड उसी टाइम पर होगा। ओके, सो जो लोग अभी शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं या फिर शादी के योग्य हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं कि आपके साथ उनका शादी काइंड ऑफ अभी से लेकर 7 महीने के अंदर हो सकता है, या फिर इनके साथ आपका स्ट्रांगली मुलाकात 7 महीने के अंदर हो जा सकता है। एंड कर्क राशि वालों के लिए लव मैरिज की चांस सबसे ज़्यादा दिख रही हैं, मतलब कि 80% चांसेस दिख रही हैं लव मैरिज का, एंड बाकी 20% दिख रही हैं अरेंज मैरिज के लिए। ओके, सो यस, चलिए देख लेते हैं कि आफ्टर मैरिज आपके साथ इनका रिलेशन कैसा रहेगा एंड ये इंसान दिखने में कैसे होने वाले हैं। प्लीज पॉजिटिव रहें। एंड इनका नेम इनिशियल्स भी हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। एस ऑफ वांड्स, डेफिनेटली आपको कभी भी ये इंसान ना कोई भी तकलीफ होने नहीं देंगे, हर एक तकलीफ से ये इंसान आपको गर्ड करेंगे। एंड जितने भी तूफान है आपकी तरफ आएंगे, ये इंसान ना अपनी ओर ले लेंगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। आपके सराउंडिंग में ना एक शील्ड क्रिएट करके रखेंगे। एंड आप दोनों का जो प्यार होगा वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाला है शादी के बाद। शादी से पहले हो सकता है आप दोनों उतना ज़्यादा एक दूसरे को फील ना कर पाओ, बट दिख रही है मुझे शादी के बाद आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन, माइंड अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है, साथ में स्पिरिचुअल अट्रैक्शन भी दिख रही है। देखो, थर्ड पार्टी की एक बात यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आ चुका है, तो कोई एक इंसान आप दोनों की शादीशुदा लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए तो ज़रूर आएंगे। ये उनका एक्स होने वाला है, ये इनके पास्ट का कोई इंसान होने वाला है, या फिर आपके लाइफ से भी आ सकता है, चांसेस ज्यादा है इनके लाइफ से आने का। तो उस टाइम पर आपको थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो सकता है, थोड़ा सा खुद को विक्टिम आप मान सकते हो, बट सिचुएशन जैसा भी हो, ये इंसान आपके साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। हर वक्त एक साय की तरह आपके साथ रहेंगे, आपके पास रहेंगे। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आकर आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करने की कोशिश करे, बट आपको अपने पर्सन के ऊपर भरोसा रखना है एंड ये इंसान आपके ऊपर तो फुल्ली भरोसा रखेंगे, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड ये इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा सॉलिड होने वाले हैं, मतलब कि इनका फिगर बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा मोटा किस्म का नहीं होगा, मतलब कि चबी फैटी नहीं दिख रही है मुझे, नॉर्मल फिगर दिख रही है, अगर लड़का है तो भी, अगर लड़की है तो भी, एंड कम्प्लेक्शन फेयर दिख रही है मुझे। अगर लड़का है तो थोड़ा सा टॉल होने वाला है, मतलब कि 5.5 से लेकर 6.2 के अंदर दिख रही हैं। एंड अगर लड़की हैं तो उनका हाइट जो है मुझे दिख रही है 5 से लेकर 5.8 के अंदर होने वाला है। एंड देखो, आपके पर्सन लड़का है या फिर लड़की है, जो भी है, फैशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ड्रेसिंग सेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड साथ में तैयार होने में ना बहुत ज़्यादा वक्त लगा देते हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। खुद को हमेशा फिट रखते हैं, अपने बालों के स्टाइल के ऊपर ध्यान देते हैं, ये एक चीज़ बहुत इंटेंस वे में दिख रही है मुझे। हालांकि फिगर को ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए नेम इनिशियल्स को चेक कर लेते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर तरीके से पता लग जाएगा कि ये इंसान कौन होने वाले हैं। सो यस, देखो यहाँ पर ओ आया है, एच आया है, टी है, एस है, सी है, एम है, यू है, के है, तो ये आपके जीवन साथी का नेम का इनिशियल्स हैं। ओके, इन लेटर से आपका जीवन साथी का नाम स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर बी भी है, एफ है, ई है, सी, सॉरी, जी है, सी है, के है, क्यू है। ओके, तो आप देख लेना थोड़ा सा। ओके, सो यही है आपका रीडिंग कैंसर। सो थैंक यू कैंसर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।